DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. आज राजस्थान सरकार, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब मुझे ये फोन करके कहते कि तुम केंद्र सरकार में बैठे हो, राजस्थान के प्रतिनिधि हो, मुझे 100 ट्रेन राजस्थान के लिए और चाहिए, और उसके बाद में मैं प्रयास नहीं करता, तो केंद्र सरकार दोषी है. राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर शानदार आपदा प्रबंधन राजस्थान में जो चल रहा है, और शानदार आपदा प्रबंधन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार नहीं, दो दो बार उसकी उनकी प्रशंसा की है. और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि चाहे वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब हों, चाहे हमारे अजमेर के जो जितने जनप्रतिनिधि हों, उनसे मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत समय होगा. ये कोरोना की जो महामारी है, हमें कोरोना के जो योद्धाओं हैं उनका सम्मान बढ़ाना चाहिए, हमें उनको बैकअप देना चाहिए, हमें उनकी भावनाओं को आदर देके सम्मान देना चाहिए. एक तरफ जहाँ वो कहते हैं कि मुझे ये कहते हैं तो मैं 100 ट्रेन में उपलब्ध करा देता. माननीय और मंत्री महोदय, आप राजस्थान के हैं, राजस्थान आपका है, राजस्थान की जनता ने आपको आपको जो चुन के भेजा है, तो आपका भी धर्म और दायित्व बनता था. और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब इस देश के अंदर कोई भी मोमेंट जब यहाँ खड़ा नहीं रहा, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने वसुंधरा राजे जी से बात करते हैं, राजस्थान के विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारे से जो बात करते हैं, और दोनों ये कहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये सकारात्मक जो पहल की है उसका हम स्वागत करते हैं, और एक तरफ जो भारत में जो बैठे हैं उनका ये बयान आता है, बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उन लोगों की छोटी मानसिकता कि जिस दिन मुख्यमंत्री जब पूरे बैठ के सबसे डोर टू डोर मिल रहे हैं, उस डोर टू डोर के ऊपर सीधा आपके आने के कहाँ, आपके आने के बोले कि चैनल के माध्यम से जब वो पूरी बात कर रहे हैं, और चैनल के माध्यम पर वो आते नहीं हैं, एक दिन भी राजस्थान के अंदर वो आदमी नहीं आया नहीं है. दिल्ली में बैठकर वातानुकूल कमरे में बैठकर अगर कोई राजनीति करना चाहेगा, राजस्थान की जनता ऐसे व्यक्ति को न स्वीकार करती है न स्वीकार करेगी. हमारा चाहे योद्धा फ्रंट पे लड़े, चाहे मैदान पे लड़े, चाहे हॉस्पिटल के रूप में लड़े, चाहे सफाई कर्मचारी के रूप में लड़े, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के प्रति बयान देना उनकी ऊंची मानसिकता को, उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है. और मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि कम से कम परमपिता परमेश्वर उनको सद्बुद्धि देवे कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत कम से कम जब तक कोरोना का युद्ध चल रहा है, जब तक मूवमेंट चल रहा है, जब तक ऐसी कोई बात नहीं करे जिससे कि कहीं हताशा पैदा हो, बल्कि राजस्थान सरकार को आर्थिक साधन दिलाकर उनको राजस्थान की सरकार के हाथ मजबूत किए करने चाहिए थे. मैं गौरतम शब्दों के अंदर उनके बयान की निंदा करता हूँ.